बात उपचुनाव की आपको बता दें, उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत में काफी तेजी दिखाई थी, लेकिन अब भाजपा का कैंपेन धीमा पड़ गया। विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि कोरोना के लिए पूरी बीजेपी जिम्मेदार है, और अब जब उन्हें लगने लगा कि सभी 27 सीटों पर हार रहे हैं तो भाजपा के सभी बड़े नेता अपने अपने घरों में क्वारंटाइन हो गए। जीतू पटवारी पर हुई FIR के बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह के पटवारी को राष्ट्रद्रोही कहने के बयान पर कुणाल चौधरी ने कहा, जो भी मूल मुद्दों पर बात करता है उस पर भाजपा के लोग ऐसे ही आरोप लगाते हैं। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने देश की मूलभूत समस्याओं पर बात की, और अब बीजेपी के लोग उनको राष्ट्रद्रोही कहने में लगे हैं। स्पष्ट है, बीजेपी ने चुनाव प्रचार में तेजी करी और इसी का नतीजा था कि मध्य प्रदेश में कोरोना फैला। कोरोना के अगर कोई गुनहगार है तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने कोरोना कैरियर्स के रूप में पूरे प्रदेश में कोरोना को फैलाने का काम किया। और जो सरकार को एहतियात बदल रखने थे और जिस प्रकार से एक मैसेज पहुंचाना था, उस मैसेज को पहुंचाने की जगह लगातार फैलाने का काम किया। और जब जनता के बीच में गए तो दिख गए कि बिकाऊ लाल मिलावट राम कोई नहीं जीत सकता, तो सब घर के अंदर क्वारंटाइन हो गए। उन्हें मालूम है 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो हार का मुंह देख के कोई भी ठीकरा अपने मुंह